नमस्कार, ममता की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही करौंदर हरी मिर्च की सब्जी। कई बार गर्मियों में दाल और सब्जी खाने का दिल नहीं करता है, तो आप इस सब्जी को बना सकते हैं। खाने में यह बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत जल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि करौंदर हरी मिर्च की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। करौंदर हरी मिर्च की सब्जी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो ये है। मैंने ली है हरी मिर्च, तो 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है जिसको रफली चॉप कर लिया है। करौंदे लिए हैं 250 ग्राम, तो इस वक्त आपको करौंदे आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो इन करौंदों के मैं दो दो पीस कर लूँगी। मसालों में मुझे चाहिए नमक, लाल मिर्च, हल्दी और साथ में चाहिए तेल जिसमें मैं करौंदों की सब्जी बनाऊँगी। तो सबसे पहले ले ली है मैंने एक कढ़ाई, इसके अंदर तेल डालूँगी। तो तेल डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच, थोड़ा तेल ज़्यादा ही डलेगा इसमें। तेल हमारा हल्का गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले मैं करौंदे डाल दूँगी। तो इसको मैं तेल के अंदर 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी अच्छी तरह से। तो करौंदे जब भी आप काट के बनाएंगे, इसके अंदर कई बार क्या होता है, बड़े करौंदे जो होते हैं बीज पके हुए होते हैं, उनको आप निकाल देंगे। और जो छोटे करौंदे होते हैं उनके आप बीज नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा। तो 2 से 3 मिनट पहले मुझे इसको भूनते हुए तेल जब से अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च डालने के बाद भी मैं इसको कम से कम 4 से 5 मिनट आस्था गैस पर पकाऊँगी अब मैं। आस्था गैस कर दी है मैंने, अभी आस्था गैस पर ही पकेंगे। तो 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि करौंदे जो है हमारे सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। तो मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी, तो ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे हम इसके अंदर। तो नमक डाल दूंगी सबसे पहले, तो स्वाद के अनुसार आप नमक को डालेंगे। करौंदे खट्टे काफ़ी होते हैं, तो आप थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, साथ इसके अंदर डाल दूँगी मैं लाल मिर्च। तो लाल मिर्च मैं आधा चम्मच से भी कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैं पतली वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ जो काफ़ी तीखी होती हैं। और इसी के साथ मैं डाल दूँगी हल्दी, तो हल्दी भी आप बहुत थोड़ी डालेंगे। और अब मैं इसको पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन करौंदे जो हैं मेरे पककर तैयार होने शुरू हो गए हैं। तेल अलग होने लग गया है, मगर अभी भी मैं इसको 3 से 4 मिनट इसी तेल में पकाऊंगी, क्योंकि करौंदों के अंदर नमी बहुत होती है और उसको हटाने के लिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है। करौंदर हरी मिर्च की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, तेल इससे पूरी तरह से अलग कर दिया है। तो अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कढ़ाई में ही पड़ा रहने दूँगी, गैस को बंद कर दूँगी ताकि अपनी हीट में ये पकते रहेंगे। उसके बाद मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो अब मैं करौंदों को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो हमारी करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती है। कई बार आपका दाल या सब्जी खाने का दिल नहीं होता है, तो आप इसको बनाकर अगर खाएंगे तो आपकी दाल और सब्जी का तो स्वाद बढ़ाएगी बढ़ाएगी। खाने में भी ये बहुत मज़ेदार लगती है, किसी भी परौंठे के साथ आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बनाई करौंदे और हरी मिर्च की सब्जी पसंद आई है, तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।